आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। किसानों के विरोध के बाद रोकना पड़ा हाईवे का निर्माण। धनगांव में किसानों ने की कम मुआवजा देने की शिकायत। सांसद विधायक के हस्तक्षेप के बाद सोमवार को होगा समाधान। सनावद नेशनल हाईवे द्वारा फोर लेन का कार्य युद्ध गति से किया जा रहा है। वहीं कुछ गांव में शासन द्वारा उचित मुआवजा दिया गया, जबकि कुछ गांव में मुआवजे को लेकर ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं। ऐसी शिकायत के बाद ग्राम धनगांव के करीब 50 से अधिक किसानों ने शनिवार को सड़क निर्माण कंपनी के कार्य को रोका। साथ ही विरोध जताते हुए वहां पर करीब 2 घंटे से अधिक जमे रहे। अधिकारियों ने भी उचित मुआवजा नहीं मिलने पर शासन से गुहार लगाने की बात कही। इसी बीच किसानों द्वारा सांसद विधायक से फोन पर चर्चा के बाद सोमवार को कलेक्टर से मिलने के बाद ही इस मामले में समाधान निकल पाएगा। नेशनल हाईवे फोर लेन निर्माण को लेकर सरकार द्वारा सड़क निर्माण कंपनी को तय समय अवधि में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए भूमि आवंटन के साथ सड़क निर्माण और मुआवजा वितरण को लेकर पृथक पृथक टीम बनाई गई। लेकिन धनगांव में करीब 50 से अधिक किसानों ने कम मुआवजा मिलने की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया, पटवारी द्वारा गांव में सर्वे के दौरान देल गांव के भूमि को हाईवे पर दर्शाया गया, जिसकी गाइडलाइन कम है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद भी दोबारा सर्वे नहीं किया गया और सड़क निर्माण कंपनी से जुड़े हुए अधिकारी वाहनों से खेतों में कार्य करने आ जाए। इस दौरान किसानों ने विरोध जताते हुए अधिकारियों से काम नहीं करने की बात कही। करीब 2 घंटे से अधिक चले हंगामे के बीच एनएच के प्रशांत शिवहरे, छेगांव माखन तहसीलदार माला अहिरवार, धनगांव टीआई बलराम जाट सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। किसानों ने बताया, जमीन निर्धारण के समय ही हमने हमारी शिकायत दर्ज करवाई थी। उस समय अधिकारियों ने कहा था, आप लोगों की जमीन का फिर से सर्वे होगा, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन का सर्वे नहीं किया गया, ना ही उन्हें गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर पूर्व में भी अधिकारियों को समझाइश देकर उचित मुआवजा देने के बाद काम करने की बात कही, लेकिन अधिकारी नहीं माने और शनिवार को फिर अमला लेकर खेतों में आ गए, जहां किसानों के विरोध के बाद अधिकारियों को काम बंद करना पड़ा। सुबह 10 बजे से आए अधिकारी दोपहर 2 बजे तक किसानों से चर्चा करते रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वहीं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, मानधाता विधायक नारायण पटेल द्वारा किसानों से चर्चा के बाद सोमवार तक इस मामले में समाधान निकालने की बात पर सहमति बनी और किसान खेतों से रवाना हुए। सरकार द्वारा सभी लोगों को उचित मुआवजा दिया जा रहा है, साथ ही जिन किसानों को मुआवजे को लेकर परेशानी है वो सीधे कलेक्टर न्यायालय में जाकर इस पर केस लगा सकते हैं। इसके निराकरण के बाद उन्हें अगर कम मुआवजा मिलता है तो शासन द्वारा मुआवजा बढ़ा दिया जाएगा। हमें तय समय सीमा में सड़क निर्माण का कार्य पूरा करना है। प्रशांत शिवहरे, प्रभारी नेशनल हाईवे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। नाम है दादा आपका? नरेंद्र महिकाल घाटिया। कहाँ रहते हैं आप? धनगांव। क्या ये खेतों में समस्या चल रही है? समस्या चल रही है, स्टेट हाईवे रोड को देलगांव रोड बता के इसने मुआवजा दिया है इन्होंने, शासन ने खसरा देलगांव का डाल दिया है धनगांव में। क्या मुआवजा बनना चाहिए था इसका? 48 लाख रुपए हेक्टर का है गाइडलाइन स्टेट हाईवे की। अभी क्या दिया जा रहा है? 16 लाख रुपए के हिसाब से दिया है। आज क्या हुआ यहाँ पर? हाँ यही हो रहा है, काम बंद कर रहे हैं, काम हमारे मुआवजा दो सही साथ स्टेट हाईवे का और काम चालू करो। कंपनी के अधिकारियों से बात करी तो कुछ बताया? कंपनी के अधिकारी शासन से बोल रहे हैं, आरबी में जाओ तो फलाने में जाओ तो कहाँ ढूंढे हम आरबी आई क्या है क्या, हम तो पहचानते नहीं इस बात को। आप क्या चाहते हैं आज? हाँ यही चाहते हैं कि शासन आएगा निराकरण करेगा। कितने किसान होंगे यहाँ? सब कम से कम 50-60 किसान है। कितने? 100। सभी के साथ यही समस्या? यही समस्या है साहब सबकी। देवलगांव कितना दूर है यहाँ से? देलगांव 3 किलोमीटर है धनगांव से। अपना रामकेश पटेल, रामकेश मंकूजी पटेल। कहाँ है अपना खेत? ये ढाबे के पास है, सातसू नदी के पास, आश्रम के सामने। क्या समस्या उसमें? समस्या ये है कि कलेक्टर साहब ने मेरी जमीन की कीमत 3,88,000 रुपये रखी है और जमीन में जो मेरी ड्रिप इरिगेशन लगी थी मैंने पिछले साल 4.5 लाख रुपये खर्च किए, उसका मुझे 12,000 रुपये दिया है। उसके बाद जो मेरे फलदार वृक्ष हैं, पौधे, पेड़ पौधे जितने भी हैं, उनके 200 और 400 रुपये दिए हैं। इसके लिए मैं कलेक्टर साहब, SDM साहब के पास भी दो बार जा चुका हूँ, लेकिन वो बोलते हैं कि हमारी 3D मीटिंग है, उसमें हम विचार करेंगे। और फिर मेरी जमीन जो नापी गई है 3.25 एकड़ ये दर्शा रहे, जबकि वो 4 एकड़ के लगभग है। ये ऐसी इनकी मनमानी चल रही है। तो अपना कितना मुआवजा बनता है? मेरा मुआवजा करीबन उन्होंने बनाया है 26 लाख रुपए 3.25 एकड़ जमीन। और आपके हिसाब से क्या बनता है? हमारे गांव में तो साहब 30 लाख रुपए के करीबन चल रहा है लेन देन एकड़ का जमीन, मतलब 90 लाख रुपए। किसान आज काम चल रहा है उसमें विरोध जता रहे हैं, किस बात का विरोध है और क्या इनकी समस्या है? किसानों का ये कहना है कि उनको गाइडलाइन जो है वो कम मिली है और उससे वो संतुष्ट नहीं है। तो जो हमारा नेशनल एक्ट जो है, नेशनल हाईवे एक्ट 1956, उसमें धारा 3G5 के अंतर्गत आर्बिट्रेशन में जाने का प्रावधान है यदि कोई मुआवजे से संतुष्ट नहीं होता है। तो किसान जो है वहाँ पर जाकर अपनी जो भी समस्या है वो आर्बिट्रेटर के सामने रखकर
और उनको बता सकते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं। आज कितने किसान ऐसे पीड़ित होंगे जिनकी समस्या है? 3 या 4 खेत जो हैं ये बता रहे हैं कि मतलब जिनमें गाइडलाइन का इशू है, बट गाइडलाइन जो है कलेक्टर गाइडलाइन है, तो उसके जो खसरे नंबर हैं वो जिस मार्ग में हमने लिए हैं वो वहीं पर है। तो किसानों का ये कहना है कि ये मार्ग जो है वो दूसरा है। तो जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन में जो सर्वे नंबर हैं उसके हिसाब से ये अवार्ड पारित हुआ है, और उसका जो 100% सोल्यूशन दे के 12% ब्याज भी दिया गया है शासन द्वारा। अगर किसान नहीं मानते तो काम शुरू होगा या नहीं? काम तो शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये शासन की परियोजना है, तो इसको अपन रोक नहीं सकते हैं। बाकी किसानों के पास भी जो धारा 3G5 है उसके तहत वो कोर्ट में जा सकते हैं, आर्बिट्रेटर कोर्ट जो होता है आर्बिट्रेशन में, तो वहाँ जाके उसका निराकरण हो सकता है।